अच्छी सी हाइक के बाद मेरा जोश बढ़ जाता है। शायद मैंने आज कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। बहुत थक गया। बेन फिर से गिर गया। तुम्हें रस्ट पॉकेट में ही रुकना चाहिए था बेन। बहुत रोथड़ू लग रही हो ग्वेन। अब कौन है बेबी? लो हो गया बेन, जूते की लेस बांध दी है। मुझे पता है तुम्हें लेस बांधनी नहीं आती। थैंक्स ग्रैंडपा। ठीक है बच्चों, पार्क बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, चलो वापस आरवी में जाकर थोड़ा सो जाते हैं। हाँ, एक पावर नैप, फिर रात के एंटरटेनमेंट का सबसे मजेदार वक्त। मैं एड्रेनालिन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना बेन? बेन? बेन छोटी नींद नहीं लेता। ठीक है, बेवजह जागे रहने के लिए गुड लक। थैंक्स, बहुत आसान होगा, खासकर जब मुझ में एलियन एनर्जी भर जाएगी। हाथ जितने डबल होंगे उतना ही डबल होगा। लगता है बेबी सिटिंग करनी ही पड़ेगी। ट्यूसडे के 8 बजे हॉट डॉग्स का टेस्ट पिज्जा जैसा लगता है। क्या? ठीक है बेन, तुम पार्क जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन हमें ग्रैंडपा मैक्स का इंतजार करना होगा। कम ऑन, देखते हैं वो जागे हैं कि नहीं। वो, बेन, ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? नींद से जागो बेन। रुको, तुम नींद में चल रहे हो, दौड़ रहे हो, एलियन गिरी कर रहे हो। अरे सुनो, बिना टिकट के अंदर जाना मना है। ये क्या कर रहे हो बेन? ओके, अब ये एलियन वाला काम नहीं, हम पार्क में हैं, अब जागने का वक्त हो गया। ए सुनो, मैं ये ले लूं। थैंक्स। हाँ क्यों नहीं। बेन जागो, जागो 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 बेन, उठो। मुझे स्क्विडिंग खाने को मत बोलो, मैं अपना होमवर्क कल कर लूंगा ना। मुझे जरा भी क्या तुमने अभी एलियन बदले? ये तुमने इतनी जल्दी कैसे किया? आज मैं बहुत खुश हूँ, ये खूबसूरत शाम कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये क्या? मैं घर वापस जा रही हूँ। रुको तो, आइए आइए, इस तरफ आइए। I'm sorry. Come on, Gwendolyn, कोई नया तमाशा करें, उसे पहले से जगाओ। Ben! बस 5 मिनट और डैड। हम इस बदलते एलियन के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके बेन, देखो अब तुम्हारे जागने का वक्त हो गया है। तुम यहाँ तबाही मचा रहे हो, किसी को चोट लग सकती है। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम्हें रुकना होगा। ओके, जो आरवी सेक्शन में लास्ट पहुंचा वो एक सड़ा हुआ अंडा है। रस्ट बकेट को रेनोवेट करना कितना एक्साइटिंग है। कितना बाउंसी। उछल कूद नहीं बेन, चलो आरवी सेक्शन में चलते हैं। नहीं थैंक्स, बाउंसी बाउंसी बाउंसी। ओह, तुम अब भी एक बेबी हो। हिम्मत है तो मुंह पे बोलो ना। बेबी बे। अरे वाह, ये तो मजेदार है। बच्चों, मैंने कहा ना उछल कूद मत करो। अरे ये बेबी अकेली कैसे, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? उसने सिक्योरिटी गार्ड की हैट क्यों पहनी है? सॉल्टी रोस्टेड फिश, जो लास्ट पहुंचा उसकी नैपी बदबूदार। हे हे, रुक जाओ। सबने कहा बच्चों को घुमाकर लाओ, मजा आएगा। ओह, बहुत मजा आ रहा है।
बेबी 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 बेबी। हाँ पता है तुम बेबी हो। नहीं बेबी। अब करना होगा एक्सेलरेट। पकड़ लिया। चश्मा पहना है? ये तुम पर थोड़ा बड़ा लग रहा है दोस्त। सही पकड़ा है। अब देखो मैं अपना नाश्ता कैसे लाता हूँ। मुझे एक पैकेट स्मोक साइमन देना प्लीज। उसके होते हैं 30 रुपए। क्या कहा? मेरे पास तो पॉकेट ही नहीं है। वेन के पास पॉकेट है, मुझे देना प्लीज। और एक पैकेट इस बच्चे को भी दे दो। ग्वेन। ये तो क्या अच्छा लग रहा है। शायद ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा। पूछू ही तो किसे पूछूं? लोग अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, क्या कहें। हे बच्चों, इनमें से कौन सा तकिया तुम्हें पसंद है? यहाँ तुम जैसे शरारती बच्चों के लिए एक बहुत मजेदार जगह है जिसे डे केयर कहते हैं। तुम लोग यही रुको, मैं कैंपिंग का सामान खरीद कर आता हूँ। ऐसा मत कीजिए, हमें मत छोड़िए, हम बच्चे नहीं हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। हे कैंपर्स, यहाँ। ये सुरंग तुम्हें कैंप ग्राउंड से दूर ले जाएगी, बस टॉर्च वाले अंकल के साथ रहना। हे बेन, वो क्या चीज है वहाँ ऊपर? एक लाल चमकीली लाइट, या किसी विलन की मौसम बनाने वाली मशीन। बहुत जल्द हमारे हुक्म मानेगा और फिर शुरू होगा हमारा असली मिशन। अगर मुझे खुशी महसूस होती तो मैं ऐसे हंसता, मगर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हे, जोकरों की तिगड़ी, चलो निकलो यहाँ से। जंगल में टहलने से प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास वक्त नहीं है। फिक्र मत करो विद द हेड्स, ये कॉस्मिक तूफान इन जीवों को संभाल लेगा। वो, इस ट्विस्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तो तुम अब क्या करने वाले हो? देखती जाओ, इन जोकर्स की कैसे धुलाई करता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। याद है ग्रैंडपा ने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा वो एक्सपर्ट नहीं है। सभी कैंपर्स को हटा लिया, चलो यहाँ से निकलकर दोबारा उन्हें जमा करेंगे। लेकिन आप तो कुछ और ही। उन्होंने कहा चलो। हाँ, कोई भी एक हैंडल कस के पकड़ लो बच्चों। बेन रुको। हे, वॉच को रिबूट होने दो। सब्र करो वरना मुसीबत हो जाएगी। बच्चों ठीक से पकड़े रहो। अभी लगता है मुझे सब्र करना चाहिए। शायद तुम्हारी बेसब्री को लेकर हम ज्यादा बेसब्र थे। ठीक है, ये है हीरो टाइम। क्या मेरे नाक में कुछ है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं होती तो इस एलियन को नहीं चुनती। ओ, ओ, ये तुम दिल से नहीं कह रही हो। कह तो दिया। अब मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट क्लाइमेट क्लाउंस, तुम्हारे लिए एक वेदर रिपोर्ट है। दर्दनाक मुक्कों की बारिश के साथ। मुश्किल है जज्बातों को रोकना। हंसो मत। जज्बात मजेदार पर मुसीबत होते हैं। ये तूफान स्पेस में जाता है, तो कॉस्मिक साइक्लोन से उनका ये मतलब था। तुम्हारा बार बार हमारे काम में दखल देना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन हम इसलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि वेदर हेड्स में गुस्से वाले जज्बात नहीं होते हैं। हम तुम्हें अब खत्म कर देंगे। खत्म कर दोगे? मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। जज्बात का मतलब समझते भी हो या नहीं? क्योंकि जज्बात बेकार और कमजोर होते हैं।
हमें तब्दीलियाँ पसंद नहीं क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बात तो सच है, बिल्कुल मौसम की तरह। ठीक है क्लाइमेट जोकर्स, करो जो करना है। तुमने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की होगी। तो ठीक है। नाकाबिल, कमजोर, बिन भरोसे वाला। तुमने मुझे मिस्ट किया, समझे? मिस्ट यानी धुंध, मौसम वाला मजाक। गस्तो, ध्यान दो। तुम ध्यान दो। हेलो। ओ, लगता है तुम लोग आखिरकार जज्बाती होने लगे हो। मैंने काउंसिल से कहा था कि इस असाइनमेंट के लिए तुम बहुत ही मूडी हो। मूडी? और वो भी मैं? वो तुम थे जिसने दूसरा पड़ाव जल्दी शुरू किया, बच्चों की तरह। यार बहुत बुरा होगा अगर कुछ बेमतलब सर फिरे रोबोट्स ने मुझे अभी खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं दबाने वाला हूँ इस चमकीले लाल बटन को। सर फिरे? हम सर फिरे नहीं है। तुम सर फिरे हो। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ तुम सर फिरे हो। उप्स, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब तो मुझे अपने जिंदा होने पर अफसोस महसूस हो रहा है। अगर मुझमें जज्बात होते तो मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करता, पर क्योंकि नहीं है, हम एक दिन फिर मिलेंगे इंसान। ब्रदर्स, तुमसे मिलने दोबारा जरूर आएंगे, तुमसे हिसाब बराबर करने के लिए। हाँ, लगता है तूफान गुजर गया।